क्लास सेवन्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन वन। अब देखिए यहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, यह पूरे कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को नियंत्रित करता है। CPU इज प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड इनसाइड द CPU टॉवर, यानी CPU जो CPU बॉक्स होता है उसके मदरबोर्ड पर लगा होता है, और सिस्टम यूनिट यानी जो CPU बॉक्स होता है उसके अंदर मदरबोर्ड पर लगा होता है। When the CPU of a computer is on a single chip ऑफ सिलिकन, जब कंप्यूटर का CPU सिलिकन की चिप एक सिंगल चिप के ऊपर होता है, इट इज नॉन एज माइक्रो प्रोसेसर, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। चिप्स आर द साइज ऑफ ए पोस्टेज स्टैम्प, जो चिप होती हैं वह पोस्ट कार्ड पर लगी टिकट के साइज की होती हैं। ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स हैव माइक्रो प्रोसेसर्स इन देम, सभी व्यक्तिगत कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेड अप ऑफ, यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है वह इन चीज़ों का बना हुआ होता है, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट या मेन मेमोरी। अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या होता है। द कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU सेंड कमांड सिग्नल टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, जो कंट्रोल यूनिट होता है CPU का एक भाग, वह कंप्यूटर के दूसरे भागों के लिए आदेश वाले सिग्नल भेजता है। इट कंट्रोल्स या नियंत्रित करता है एंड कोऑर्डिनेट द वेरियस ऑपरेशन, और दूसरे कार्यों में सहयोग करता है। विच टेक प्लेस इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इट एक्ट्स लाइक ए ट्रैफिक सिग्नल, यह ट्रैफिक यातायात सिग्नल की तरह कार्य करता है। डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा के फ्लो को निर्देशित करने के लिए यातायात के सिग्नल की तरह कार्य करता है। इसके बाद आता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ALU कंप्यूटर सिस्टम का एक भाग होता है। वेयर ऑल एरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड अदर लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी ALU कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग होता है जहां पर सभी गणितीय गणनाएं और दूसरी तार्किक कार्य लाइक सॉर्टिंग एंड कंपेरिजिंग डाटा, यानी छांटने का और तुलना करने का, डाटा की तुलना करना टेक प्लेस होते हैं। द मेन मेमोरी यूनिट MMU, द मेन मेमोरी इज ऑल्सो नेन एज प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर, यानी जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज डिवाइडेड इंटू रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, इसको रैम एंड ऑन रीड ओनली मेमोरी रोम में विभाजित किया जाता है। अब देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम, रोम में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज वेयर द प्रोग्राम यू आर करेंटली यूजिंग गेट लोडेड, यानी दिस इज वेयर यह वहां पर होती है, द प्रोग्राम यू आर करेंटली यूजिंग यानी जहां पर तुम इसका प्रोग्राम को लोड करते हो ये वहां पर होती है। रैम इज नॉन एज द टेम्परेरी वॉलेटाइल मेमोरी, रैम को टेम्परेरी माने क्षणिक और वॉलेटाइल माने गतिशील मेमोरी के रूप में जाना जाता है। द डाटा स्टोर्ड इन द रैम गेट्स इरेज्ड, ये जो रैम पे डाटा होता है वो मिट जाता है। व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, जब तुम कंप्यूटर को बंद कर देते हो।
इट इज नोन एज रीड और राइट मेमोरी, यानी इसको पढ़ने वाली और लिखने वाली मेमोरी के नाम से जाना जाता है। एज डाटा हियर कैन बी रीड एंड रिटन, यहाँ पर डाटा को लिखा और पढ़ा जाता जा सकता है। अब इसके बाद आती है रीड ओनली मेमोरी। द रोम कंटेंस ए सेटअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर सिस्टम लाइक चेकिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू रैम। रोम कंटेंस ए सेटअप ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो रोम होती है वो कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने के चालू करने के एक तरह से प्रोग्राम का समूह रखती है। जैसे चेकिंग द आउटपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, जिस तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो चेक करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये चीज़ें किसके अंदर लिखी होती हैं, ये प्रोग्राम सेट होता है किसके अंदर, रोम के अंदर। रोम इज परमानेंट मेमोरी, रोम परमानेंट मेमोरी होती है। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हियर कैन नॉट बी ओवर रिटन, यानी इसके अंदर जो प्रोग्राम वगैरह डले हुए होते हैं उसको मिटाया नहीं जा सकता, उस पर दोबारा नहीं लिखा जा सकता। दीज इंस्ट्रक्शन हैव बीन स्टोर्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर, यानी इसमें जो निर्देश डाले जाते हैं वह कंप्यूटर के निर्माण के समय डाले जाते हैं। इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी, यानी इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। एज द मेमोरी कैन नॉट बी रीड, इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। एज द मेमोरी कैन ओनली बी रीड, यानी इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो निर्देश होते हैं उनको केवल पढ़ा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता और दोबारा नहीं लिखा जा सकता। अब इसके बाद आती है मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी। जस्ट लाइक कंप्यूटर हैज ए ब्रेन, इट मस्ट हैव ए मेमोरी टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, यानी जिस तरह से कंप्यूटर में एक ब्रेन होता है, सीपीयू होता है, इट मस्ट हैव ए मेमोरी, इसको एक मेमोरी भी रखनी चाहिए टू स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन, यानी सभी सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज बिट शॉर्ट, यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। बिट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट, यानी बाइनरी डिजिट में सबसे पहले वो होती है सबसे छोटी इकाई बिट। द वैल्यू ऑफ द बिट कैन बी आइदर 0 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है एक बिट की, 0 होती है या 1 होती है। द टेबल गिवन बिलो शोज, यानी नीचे दी हुई टेबल दिखाती है यू अदर यूनिट्स यूज टू मेजर द मेमोरी, यानी दूसरी यूनिट्स मेमोरी को नापने की, दूसरी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट 1 बिट, 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, यानी 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, मतलब 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB या 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1 TB। अब आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी प्राइमरी प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी में विभाजित होती है। एज वी हैव डिस्कस्ड, जैसा हम पहले इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इज द हाई स्पीड मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है या आंतरिक मेमोरी होती है वो हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है। इज हाई स्पीड मेमोरी इज द हाई स्पीड मेमोरी हुज फंक्शन इज टू होल्ड द प्रोग्राम एंड डाटा बीइंग यूज्ड करेंटली, यानी जिसका काम होता है डाटा को होल्ड करना और प्रोग्रामों को चलाना। इट इज कंसीडर्ड एज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको सीपीयू का तीसरा भाग समझा जाता है। प्राइमरी मेमोरी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू रैम एंड रोम, यानी प्राइमरी मेमोरी को आगे रैम एंड रोम में विभाजित किया जा सकता है। Which you have already learned, जो तुम पहले ही सीख चुके हो। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी जो द्वितीय मेमोरी होती है, बाहरी मेमोरी होती है वह कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है विच इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा, यानी डाटा को लंबे समय तक संग्रहित करने रखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। दिस इज द मेमोरी विच परमानेंटली स्टोर्स ऑल प्रोफाइल्स, यानी यह वो मेमोरी होती है जो प्रोग्रामों को या फाइल्स को
मतलब स्थायी रूप से संग्रहित करती है। ठीक है, इसके बाद फिर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।